हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं ठीक है तो जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एग्रीकल्चर कंपटीशन से कोर्स लॉन्च किए गए हैं जिसमें एक बारह दो हजार तेईस से हमारी क्लासे क्या हो रही हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है ठीक है तो कोई कोई भी स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहता हो या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हो तो नीचे नंबर दिए हुए हैं ठीक है तो उनसे क्या कर सकता है कॉन्टेक्ट कर सकता है ठीक है और कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर कंपटीशन की किसी भी प्रकार की प्रेपरेशन कर रहा हो ठीक है तो हमारे चैनल को क्या कर सकता है लाइक कर सकता है सब्सक्राइब कर सकता है इन दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें बच्चों को अधिकांशता दिक्कत होती है ठीक है तो देखो हमारी क्लास कौन सी है क्लास है सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कुछ ऐसे शब्द जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है भाषाओं से बच्चे क्या करते हैं इलेवेंथ ट्वेल्थ वाला हो चाहे ग्रेजुएशन वाला हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला हो वो बहुत रटता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से, से लिया गया है हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है एपीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है किचन गार्डनिंग कौन सी भाषा से लिया गया है तो आज के बाद यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें हम स्टार्ट करते हैं क्लास को आज ठीक है पहले पढ़ते हैं देखो भाषा में क्या दिक्कत आती है बच्चों को रटते हैं बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि सेम होते हैं ठीक है अब फिर भी बच्चा उनको रटता है तो आज एकदम बेसिक से चलेंगे ठीक है तो देखो हमें मेनली दो भाषाएं ही देखने को मिलती हैं कौन कौन सी दो भाषाएं ही देखने को मिलती हैं एक हमें मिलती है लैटिन भाषा एक हमें मिलती है ग्रीक भाषा कितनी भाषाएं देखने को मिलती हैं जनरली क्वेश्चन जो बनते हैं हमारी लैटिन और ग्रीक भाषा से ही देखने को मिलते हैं फिर भी बच्चा घबराता है कि सर कैसे याद होंगे इतने सारे वर्ड्स हैं क्या करें क्या ना करें लेकिन आज के बाद यदि आपने ये क्लास देख ली तो आपको कभी भी किसी भी वर्ड्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो देखो हमारे कितने वर्ड्स देखने को मिलते हैं अधिकांशता जो एग्रीकल्चर वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बने होते हैं तो पहले हम बात करते हैं लैटिन की ठीक है पहले हम बात करते हैं लैटिन की तो लैटिन में हेडिंग बना लो ए पॉइंट डाल के ठीक है लैटिन ठीक लैटिन भाषा अब लैटिन भाषा को कैसे याद कर सकते हैं जनरली बच्चे रटते हैं ठीक है तो हम एक एक पॉइंट से डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट अब इसमें हेडिंग बनाना है पहली पॉइंट पहला पॉइंट हैडिंग बनाया हमने जिस शब्द के अंत में क्या जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हो क्या हुआ हो जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हो वह कौन सी भाषा से लिया जाता है वह लिया जाता है हमारी लैटिन भाषा से ठीक है तो अब इसमें शब्द कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखते हैं तो लैटिन भाषा में पहला पॉइंट हमने देखा जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हो तो है कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से लिया जाता है ठीक है इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं देखो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ईटीसी ठीक अब बच्चों को देखो क्या होता है मैंने क्या कहा जिस शब्द के अंत में क्या क्या लगा होता है कल्चर लगा होता है तो कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से लिया जाता है देखो वर्ड्स में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में लास्ट में क्या लगा हुआ है कल्चर लगा हुआ है ठीक है अंगला देखो अंगला है हमारा हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में लास्ट में क्या लगा हुआ है कल्चर लगा हुआ है अंगली बात करते हैं एपीकल्चर एपीकल्चर में लास्ट में क्या लगा हुआ है कल्चर लगा हुआ है अंगली बात करते हैं सेरिकल्चर सेरिकल्चर में लास्ट में क्या लगा हुआ है क्या लगा हुआ कल्चर लगा हुआ है ठीक है तो इस तरह के कोई भी वर्ड्स देखने को मिले जिनमें लास्ट में क्या लगा होता है कल्चर लगा होता है तो आप उसमें कह सकते हैं कि वह कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से लिया जाता है इसके कुछ अपवाद हैं कैसे कि मतलब लास्ट में कल्चर लगा है फिर भी वह हमारी क्या है लैटिन भाषा का शब्द नहीं है ठीक है तो इसमें हेडिंग बना लेना अपवाद इसी में और इसमें स्टार इस बना लेना क्योंकि कोई भी स्टूडेंट देखेगा तो यही कहेगा कि इसमें लास्ट में कल्चर लगा हुआ है और यह लैटिन भाषा का शब्द है और वह लगा के आ जाता है ठीक है लेकिन वह क्या है इसके अपवाद हैं लास्ट में कल्चर लगा हुआ है फिर भी वह क्या है लैटिन भाषा के शब्द नहीं है ठीक है तो वह हमारे शब्द कौन कौन से हैं पहला शब्द है हमारा लाक कल्चर लाक कल्चर कौन सा है पहला है हमारा लाक कल्चर और दूसरा है हमारा सिट्री कल्चर ठीक पहला हमारा शब्द कौन सा है पहला है हमारा लाक कल्चर है दूसरा है हमारा कल्चर। लाक कल्चर कैसे कहते हैं कल्टीवेशन कल्टीवेशन ऑफ ऑफ इज इज एज एज कल्चर सिट्रस ठीक है तो देखो लास्ट में इनमें कल्चर लगा हुआ है लाक कल्चर और सिट्री कल्चर लेकिन फिर भी यह हमारी क्या है लैटिन भाषा के शब्द नहीं है तो वह कौन सी भाषा से है इनको देखते हैं ठीक है मैंने लिख दिया ऊपर लाक कल्चर ठीक है तो ये लाख कल्चर हमारी दो भाषाओं से मिलकर बनता है वह कौन कौन सी भाषा है देखो पहली भाषा है हमारी संस्कृत प्लस लैटिन कौन सी भाषाओं से मिलकर बनता है संस्कृत प्लस लैटिन भाषा से मिलकर हमारे लाक कल्चर का क्या होता है होता है तो अब कोई भी यदि आपसे पूछता है कि लाक कल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है तो लाख कल्चर हमारा संस्कृत संस्कृत प्लस लैटिन भाषा से लिया गया है अब बात करते हैं दूसरे की दूसरा अपवाद कौन सा है दूसरा है हमारा कल्चर ठीक है सिट्रिकल्चर भी हमारा दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है वह भाषा कौन कौन सी है पहला है हमारा ग्रीक प्लस दूसरा है हमारा लैटिन तो सिट्री कल्चर कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर बनता है तो सिट्री कल्चर हमारा ग्रीक प्लस लैटिन भाषा से मिलकर बनता है ठीक है तो यह इसके दो अपवाद हैं हमने पहली हेडिंग में क्या पढ़ा कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा होता है कल्चर लगा होता है तो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से लिया जाता है लेकिन यदि आपको ये दो शब्द मिल जाएं एक लाक कल्चर एक सिट्री कल्चर तो आप गलत करके ही आओगे इसलिए मैंने स्टार बना के लिखा है और इसके दो अपवाद हैं, दो अपवाद याद कर लो इसके बाद किसी भी शब्द में यदि आपको कल्चर लगा मिलता है तो आप उसमें लैटिन भाषा कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैंने इसको स्टार बना दिया। मंगली ठीक है? बात करते हैं दूसरी हेडिंग दूसरी हेडिंग में है, जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में साइड लगा हो साइड लगा हो जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो जिस शब्द के अंत में साइड लगा हो तो वह हमारा किस भाषा से लिया जाता है वह हमारा लैटिन भाषा से लिया जाता है देखो पहली हेडिंग में हमने क्या बात किया जिस शब्द के अंत में ला, क्या लगा होता है कल्चर लगा होता है तो वह लैटिन भाषा से लिया जाता है अगली अगले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो साइड लगा हो तो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से लिया जाता है ठीक ठीक है इसके एग्जाम्पल्स देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन से, से हैं जैसे एन फंगीसाइड साइड इंसेक्टिस फंगिसाइड हर्बिसाइड बिल ठीक है हमने पॉइंट में क्या बात किया जिस शब्द के अंत में साइड लगा होता है तो वह कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से, से लिया जाता है इसके एग्जांपल्स कौन कौन है? से हैं देखो पहला है हमारा इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लास्ट में क्या लगा हुआ है साइड शब्द लगा हुआ है तो वह कौन सी भाषा से लिया जाएगा हमारी लैटिन भाषा से लिया जाएगा ठीक है बात करते हैं अंग्ली अंगला हमारा फंगी साइड फंगी साइड में लास्ट में क्या लगा हुआ है साइड लगा हुआ है तो वह हमारी कौन सी भाषा से, से, से लिया जाता है वह हमारी लैटिन भाषा से लिया जाता है अब बात करते हैं आगे आगे क्या है हमारा हर्बी साइड ठीक है तो हर्बी साइड में लास्ट में क्या, में क्या लगा हुआ है साइड लगा हुआ है तो किस भाषा से लिया जाएगा लैटिन भाषा से आगे है हमारा बीडी साइड बीडी साइड में लास्ट में क्या लगा हुआ है साइड लगा हुआ है तो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाएगा वह हमारी लिया जाएगा लैटिन भाषा से ठीक है तो अब किसी को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यदि जिस शब्द के अंत में साइड लगा हो तो आपको क्या लगा देना है वह हमारी लैटिन भाषा से वाजा लिया गया शब्द है ठीक है अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तीसरी हेडिंग है जो शब्द बहुत फैले हुए हो बहुत फैले फैले हुए हो क्या हो जो शब्द बहुत फैले हुए हो फैले हुए का मतलब है कि ऐसे शब्द जो बहुत हमारा क्या करते है? हैं स्थान घेरते हैं ठीक है तो उसे हम किस भाषा में लिखेंगे लैटिन भाषा से लिखेंगे ठीक है तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत फैले हुए हैं अब बच्चों को अधिकांशता प्रॉब्लम पड़ती है क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा कल्चर कल्चर जिस शब्द में लास्ट में कल्चर लगा होता है लैटिन भाषा से लिया जाता है ठीक है जिस शब्द के लास्ट में साइड लगा होता है लैटिन भाषा से लिया जाता है और ये एक अंगला शब्द है ठीक है जो अधिकांशता टीचर नहीं बताते हैं और उनको याद करवा देते हैं बच्चा रटता रहता है कि स्वाइल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है स्वाइल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है लेकिन आज आपको यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो फिर एक बार यही कहता हूं सभी स्टूडेंटों से कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने यदि हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर लें ठीक है तो बात करते हैं हम तीसरे शब्द की तो तीसरा हाइडिंग क्या है जो शब्द बहुत फैला हुआ मतलब बहुत स्थान घेरता हो देखो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में पहले बात करते हैं हम स्वाइल की ठीक है तो स्वाइल शब्द हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है स्वाइल शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया जाता है ये तो अपन ने याद कर लिया लेकिन यहां आपको एक ट्रक के साथ याद करना ठीक है।, है तो जो शब्द बहुत फैला हुआ है अब स्वाइल बताओ कई पेडॉन्स मिलकर छोटे छोटे कई पेडॉन्स मिलकर आपकी स्वाइल का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो स्वाइल एक छोटा तो है नहीं है कि स्वाइल मतलब एक दो पार्टिकल से मिल जाए स्वाइल का फॉर्मेशन हो जाए तो स्वाइल में क्या है कई पेडॉन्स मिलकर आपस में क्या करते हैं स्वाइल का फॉर्मेशंस करते हैं तो सोइल क्या है सोइल बहुत फैला हुआ है अब फैला हुआ शब्द किसमें आएगा आपकी लैटिन भाषा में आएगा ठीक है इस तरह याद कर सकते हैं दूसरा सोइल का क्लासिफिकेशन 8 आठ भागों में किया गया है। यदि एक भागों में किया गया होता तो वह हमारी लैटिन भाषा में नहीं आता लेकिन आठ भागों में यदि उसको क्लासिफिकेशन किया गया है तो क्या है बहुत फैला हुआ है यदि वह फैला हुआ शब्द है तो हमारी कौन सी भाषा में आएगा हमारी लैटिन भाषा में आएगा ठीक है तो आज के बाद आप याद कर सकते हैं कि जो शब्द बहुत फैला हुआ हो वह कौन सी भाषा में आएगा लैटिन भाषा में आएगा तो स्वाइल शब्द हमारी कौन सी भाषा में आएगा लैटिन भाषा में अब बात करते हैं आंग्ली शब्द की आंग्ला है हमारा सेल कोशिका ठीक है तो सेल तो सेल भी हमारा क्या है एक लैटिन वर्ड है कैसे जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी करोड़ों सेल मिलकर करोड़ों सेल मिलकर हमारे बॉडी का क्या करती हैं फॉर्मेशंस करती हैं ठीक है तो सेल क्या है एक बहुत फैला हुआ शब्द है अब फैला हुआ शब्द है तो आपकी कौन सी भाषा में आएगा लैटिन भाषा में आएगा ठीक है तो किस तरह याद कर सकते हैं सेल हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल पाई जाती हैं जब जाके हमारे शरीर का क्या होता है फॉर्मेशन होता है तो सेल क्या है बहुत फैली हुई है और बहुत फैली हुई शब्द किस में आते हैं हमारी लैटिन भाषा में आते हैं ठीक है, है? स्वाइल सेल क्रेडिट क्रेडिट ठीक है अब क्रेडिट को कैसे याद रखें देखो जब आप छोटा छोटा पैसा डिपॉजिट करते हैं तभी जाके आपका क्रेडिट कार्ड बनता है ठीक है तो क्या करते हैं आपने छोटा छोटा पैसा पहले जमा करा फिर उसके बाद आपका क्या बना क्रेडिट कार्ड तो क्या कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत फैला हुआ है अब बड़ा शब्द है बड़ा या फैला हुआ शब्द है तो हमारी कौन सी भाषा में आएगा हमारी लैटिन भाषा में आएगा आगे देखते हैं मार्केट मार्केट ठीक है अब मार्केट को कैसे याद रखे देखो कोई भी स्टूडेंट हो ठीक है तो यदि आपके अगल बगल में एक किराना स्टोर की या जनरल स्टोर की दुकान रखी है तो आप घर से या किसी दोस्त से क्या यह यह बोलोगे कि मैं मार्केट जा रहा हूं नहीं क्योंकि वहां केवल एक दुकान रखी है यदि कहीं ऐसा स्थान हो जहां बहुत सारी दुकानें रखी हो वहीं जनरल स्टोर की हो वहीं आपकी कपड़ों की दुकान हो वहीं आपकी जूते चप्पल की दुकान हो किसी की भी दुकान हो मतलब बहुत सारी दुकानें हो तो क्या है बहुत फैला हुआ है यदि वह बहुत फैला हुआ है बहुत स्थान को घेरे है तो वह है हमारा किस भाषा में आएगा लैटिन भाषा में आएगा मार्केट का मतलब यही होता है कि वह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर क्रेता विक्रेता उपस्थित होते हैं तथा वस्तुओं का लेन देन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं मार्केट कहते हैं तो मार्केट को कैसे याद कर सकते हैं मार्केट में जहां बहुत सारी दुकानें हों ठीक है तो उसे ही हम क्या कहते हैं मार्केट कहते हैं और मार्केट कौन सी भाषा से लिया गया है मार्केट शब्द हमारी लैटिन भाषा से लिया गया है अगला देखते हैं अगला शब्द है हमारा एक्सटेंशन ठीक है अगली बात करते हैं हम एक्सटेंशन की तो एक्सटेंशन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया ठीक है तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना ठीक है तो जो एग्रीकल्चर स्कीमें हैं उनको बहुत सारी स्कीमें होती हैं कैसे याद कर सकते हैं इसके जो एग्रीकल्चर स्कीमें होती हैं बहुत सारी स्कीमें होती हैं ऐसा तो है नहीं कि आपने एक स्कीम ली और गांव में जाकर उसको बता दिया नहीं बहुत सारी स्कीमें होती हैं और गांव में या शहरों में जाकर उसको बताना पड़ता है तो क्या हो जाएगा एक्सटेंशन शब्द बहुत फैला हुआ होगा मतलब बहुत सारे शब्द होंगे बहुत सारी उसमें क्या होंगी प्रचार प्रसार आपकी सीमाएं होंगी यदि बहुत सारा उसका फैला हुआ शब्द है तो हमारी किस भाषा से लिया जाएगा हमारी लैटिन भाषा से लिया जाएगा मैंने तीन पॉइंट बताए अब अभी तक मैंने तीन पॉइंट डिस्कस किए ठीक है पहला जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा होता है लैटिन भाषा से लिया जाता है दूसरा शब्द दो मैंने उसके अपवाद भी बताए थे दूसरा शब्द हमने क्या लिखा दूसरी हेडिंग में जिस शब्द के अंत में साइड लगा हो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है लैटिन भाषा से लिया जाता है अब बात करते हैं तीसरे में तीसरे में क्या है जो शब्द बहुत फैला हुआ हो फैला हुआ में मैंने एग्जाम्पल लिखवाया स्वाइल है सेल है क्रेडिट है मार्केट है और एक्सटेंशन है यही शब्द आपसे पूछे जाते हैं कि सोयल शब्द कौन सी भाषा से लिया जाता है एक्सटेंशन शब्द कौन सी भाषा से लिया जाता है मार्केट शब्द कौन सी भाषा से लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम याद प्रॉब्लम पड़ेगी कि मैं सोयल सेल क्रेडिट और मार्केट एक्सटेंशन शब्द को याद करूं ठीक है अब बात करते हैं अगली भाषा ग्रीक भाषा की ठीक है अभी तक हमने लैटिन में पढ़ा अधिकांशता जो वर्ड्स हमें याद करने को मिलते हैं लैटिन और ग्रीक भाषा में ही मिलते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने को मिलते हैं जैसे फ्रेंच भाषा में मिल जाता है आपका ठीक है और एक एंग्लो सेक्जोन भाषा में मिल जाता है तो अलग अलग वर्ड्स हैं जिसको बाद में पीपीटी के जरिए समझाऊंगा ठीक है तो अब बात करते हैं हम दूसरी हेडिंग की ग्रीक भाषा की ठीक है ग्रीक भाषा में हमने पहली हेडिंग बनाना है यहां पे पहली हेडिंग बना लो जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में जिस शब्द के अंत में वाई लगा हो जिस शब्द के, के अंत में क्या लगा हो जिस शब्द के, के अंत में वाई लगा हो तो वह हमारा शब्द किस भाषा से, से लिया जाता है ग्रीक भाषा से लिया जाता है मैंने क्या लिखवाया पहली हेडिंग में जिस शब्द के अंत में वाई लगा हो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है ग्रीक भाषा से लिया जाता है इसके एग्जाम्पल्स देखो एग्जाम्पल्स में, में देखो एकमी ठीक है एग्रोनॉमी हो गया पैथोलॉजी हो गया एंटोमोलॉजी हो गया क्या हो गया एग्रोनॉमी हो गया पैथोलॉजी हो गया एंटोमोलॉजी हो गया पेडोलॉजी हो गया ईटीसी ठीक है तो मैंने क्या कहा इस शब्द में जिस शब्द के अंत में वाई लगा हो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है वह हमारी ग्रीक भाषा से लिया जाता है देखो एग्रोनॉमी लास्ट में क्या लगा है वाई लगा है तो कौन सी भाषा से लिया जाएगा ग्रीक भाषा से दूसरा बात करता हूं पैथोलॉजी लास्ट, तो लास्ट में क्या लगा है वाई लगा है तो कौन सी भाषा से लिया जाएगा ग्रीक भाषा से ठीक है पेडोलॉजी लास्ट में क्या लगा है वाई लगा है तो यह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाएगा ग्रीक भाषा से ठीक है अब बात करते हैं इसके अपवाद की ग्रीक भाषा में पहली हैडिंग में क्या है इसके अपवाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार बना के लिख लेना ठीक है अब इसी में हेडिंग बना लो पहली हेडिंग में अपवाद अपवाद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो लास्ट में वाई तो लगा है लेकिन क्या है वह ग्रीक, ग्रीक वर्ड्स नहीं है मैं चार वर्ड्स लिखवाऊंगा कितने चार चार वर्ड्स आपने याद कर लिए इसके अलावा किसी भी वर्ड्स में यदि लास्ट में वाई लगा मिलता है तो वह हमारी किस भाषा से लिया जाएगा ग्रीक भाषा से लिया जाएगा ठीक है तो देखते हैं अपवाद कौन कौन से पहला है हमारा सोशियोलॉजी ठीक है पहला हमारा क्या हो गया सोशियोलॉजी दूसरा है हमारा पोमोलॉजी तीसरा है हमारा फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री ठीक है और चौथा है हमारा सोसाइटी फॉरेस्ट्री ठीक है हमारे तीन चार शब्द हैं पहला है सोशियोलॉजी दूसरा है पोमोलॉजी तीसरा है फॉरेस्ट्री और चौथा है सोसाइट सोसाइटी ठीक है सोसाइटी तो देखो लास्ट में इनमें क्या लगा हुआ है वाई शब्द लगा हुआ है फिर भी हमारे क्या है यह ग्रीक वर्ड्स नहीं है इन चार वर्ड्सों को स्टार बना के लिख लेना अपवाद लिख के यदि आपको कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी ठीक है तो मैंने देखा सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया तो सोशियोलॉजी हमारी दो भाषाओं से मिलकर बना है कौन कौन सी पहला है हमारा लैटिन प्लस ग्रीक कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर बना है दो भाषाओं से मिलकर बना है पहला है हमारा लैटिन और दूसरा है हमारा ग्रीक अब आप याद कर सकते हो कि सोशियोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है तो सोशियोलॉजी हमारा लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से लिया गया है अब बात करते हैं पोमोलॉजी पोमोलॉजी भी हमारा दो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होता है कौन कौन सी पहला है हमारा लैटिन दूसरा है हमारा ग्रीक कौन सा दूसरा है हमारा ग्रीक तो पोमोलॉजी कौन सी भाषाओं से मिलकर बना होता है तो पोमोलॉजी हमारा लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से मिलकर बना होता है अब बात करते हैं फोरेस्ट्री तो फोरेस्ट्री हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है ठीक है और सोसाइटी हमारा किस भाषा से लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है अभी मैंने लैटिन भाषा में लास्ट में एक हेडिंग लिखवाई थी कि जो शब्द बहुत फैला हुआ हो वह लैटिन भाषा से लिया जाता है तो देखो फोरेस्ट्री में क्या है फोरेस्टिंग में ऐसा तो है नहीं है कि आपने एक पेड़ लगा दिए दो पेड़ लगा दिए तो उसे हम कहेंगे, ठीक है? जहां पर, ऐसा जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे तो वो क्या हो जाएगा बहुत स्थान घेरेगा स्थान घेरेगा मतलब बहुत फैला हुआ होगा फैला हुआ है तो हमारा किस भाषा से लिया जाएगा लैटिन भाषा से लिया जाएगा ठीक है मैंने ग्रीक भाषा में इसलिए लिखवाया क्योंकि लास्ट में इसमें वाई लगा है ठीक है अब बात करते हैं सोसाइटी देखो सोसाइटी उसे बोलते हैं जहां बहुत सारे घर बने हुए हैं ऐसा तो है नहीं है कि जहां पर एक घर बना हुआ हो तो उसे हम सोसाइटी कहेंगे ठीक है तो जहां पर बहुत सारे घर बने होंगे बहुत सारे घर बने होंगे तो बहुत फैला हुआ होगा फैला हुआ होगा तो मतलब बहुत स्थान घेरेगा स्थान घेरेगा तो किस में आएगा हमारी लैटिन भाषा में आएगा तो इस तरह याद कर सकते हो कि सोसाइटी और फोरेस्ट्री हमारी दोनों किस भाषा से लिए जाते हैं लैटिन भाषा से लिए जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं ग्रीक भाषा में अंग्ली हेडिंग की अंग्ली हेडिंग है हमारी दूसरी जिस शब्द के अंत में आई सी एस लगा हो क्या तो हो जिस शब्द के अंत में आई सी एस लगा हो तो, तो वह हमारी, हमारी कौन सी भाषा से लिया जाएगा वह तो हमारी ग्रीक भाषा से लिया जाएगा देखते, देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं देखो जेनेटिक्स दूसरा स्टेटिक्स तीसरा हाइड्रोपोनिक्स, चौथा एरोपोनिक्स, ठीक ठीक इटीसी मैंने क्या कहा इस हेडिंग में हमने क्या बात तो कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा होता है आई सी एस लगा हो तो वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है वह हमारी ग्रीक भाषा से लिया जाता है ठीक है तो देखो जेनेटिक्स आई सी एस क्या लगा हुआ है आई सी एस स्टेटिक्स आई सी एस हाइड्रोपोनिक्स आई सी एस एरोपोनिक्स आई सी एस तो मैंने क्या कहा कि जिस शब्द के अंत में आई सी एस लगा मिल जाए वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है ग्रीक भाषा से लिया जाता है आशा करता हूं आपको लैटिन और ग्रीक के वर्ड्स आसानी से समझ में आ जाएंगे अब चलते हैं पीपीटी पर ठीक है पीपीटी में बहुत सारे वर्ड्स हैं लगभग साठ सत्तर वर्ड्स होंगे जो बस इसी से यदि आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद कर ली तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी ठीक है जो नए वर्ड्स हैं वो इसमें देख लेते हैं ठीक है ये यहां से आ गए आपके वर्ड्स देखो अब इसमें वर्ड्स एक एक वर्ड्स क्लियर करते चलेंगे ठीक है

एक तरफ वर्ड्स लिखे हैं एक तरफ लैंग्वेज है किस भाषा से लिया गया है देखो पहली बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की मैंने अभी क्या लैटिन में बताया था जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा होता है कौन सी भाषा से लिया जाता, है? से लिया जाता है।, ठीक है पहला हो गया दूसरा बात करते हैं एग्रोनोमी जिस शब्द के अंत में लास्ट में क्या लगा होता है? होता है वाई लगा होता है वह हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है ग्रीक भाषा से लिया जाता है दूसरा शब्द हो गया बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होता है लैटिन भाषा से पोमोलॉजी पोमोलॉजी में मैंने अभी डिस्कस करके बताया था कि यह क्या है हमारी ग्रीक भाषा के अपवाद हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है लैटिन प्लस ग्रीक ठीक है अब बात करते हैं अंगले की अंगला है हमारा ओलेरी कल्चर जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा हो लैटिन भाषा से लिया जाता है किससे लैटिन भाषा से ठीक है फ्लोरी जिस शब्द के अंत में लास्ट में कल्चर लगा हो लैटिन भाषा से लिया जाता अभी अभी है जो, जो अब एक नया वर्ड आता है मानसून जिसे स्टार बना के लिख लेना ठीक है बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है और बच्चा जाके फंसता है लैटिन और ग्रीक में लैटिन करके आ जाता है या ग्रीक करके आ जाता है तो जो मानसून है हमारा अरेबिक भाषा से लिया गया है कौन सी अरेबिक भाषा से अब इसको याद कैसे कर सकते हैं बच्चों को भूल जाता है जैसे हमने कुछ दिनों तक पढ़ा कुछ दिनों बाद नहीं देखा तो उसको भूल गया ठीक है तो याद कैसे कर सकते हैं देखो जो अरबी लोग होते थे विदेश के लोग जो अरबी लोग होते थे तो भारत में क्या करते करने आते थे व्यापार करने आते थे ठीक है तो वह क्या करते थे पहले साधन तो चलते नहीं थे कि ट्रेन चलती हो एरोप्लेन चलती हो पहले नाव का सिस्टम चलता था तो जब वहां पर मानसून आ जाता था मानसून मतलब बरसात होती थी ठीक है बरसात हुई तो अपनी नाव पानी में डाल देते थे और उसमें अपना सामान जो कपड़े बेचने आ रहे हैं आ है, इंडिया में कुछ भी करने आ रहे हैं वो उसमें रख लेते थे और इंडिया उस पानी की सहायता से आ जाते थे तो कैसे याद कर सकते हैं कि जो अरेबिक लोग होते थे वो मानसून की सहायता से मानसून में क्या डाल देते थे नाव डाल देते थे और नाव की सहायता से हमारे देश में क्या आ जाते थे बिजनेस करने आ जाते थे तो इस तरह याद कर सकते हैं कि मानसून हमारी कौन सी भाषा से लिया गया है मानसून हमारा अरेबिक भाषा से लिया गया शब्द है ठीक है अब बात करते हैं आगे अब बात करते हैं अगले देखो अगले को सब बिल्कुल क्लियर से चलेंगे ठीक है एक प्लास्टिड वर्ड्स है याद कर लेना प्लास्टिड जिस वर्ड के जिस वर्ड में क्या है सॉरी

अंत में वाई लगा है वह किस भाषा से लिया जाएगा ग्रीक भाषा से स्टार बना के लिख लेना बहुत सारा क्वेश्चन मेट्रोलॉजी से पूछा जाता है कि मेट्रोलॉजी कौन सी भाषा से लिया जाता है अब आते हैं हमारे तीन शब्द जो नए शब्द है हमारे लिए याद करने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है अधिकतर पूछा जाता है ठीक है तो क्या है बीड शब्द किस भाषा से लिया जाता है टीलेज शब्द किस भाषा से लिया जाता है और हो शब्द किस भाषा से लिया जाता है तो यह हमारा हमारे शब्द एंग्लो शब्द से एंग्लो सेक्सोन भाषा से लिए जाते हैं बीड भी टीलेज भी और हमारा हो भी अब इनको याद कैसे कर सकते हैं ठीक है तो हमने टीलेज शब्द पढ़ा होगा भू परिष्करण जैसे हिंदी में बोलते हैं तो फादर ऑफ टीलेज किसको कहा जाता है फादर ऑफ टीलेज हम कहते हैं जैंथ्रो टूल को किसको कहते हैं जेंथ्रो टूल को ठीक है इस तरह याद करना है जिस तरह मैं बता रहा हूं आपने क्या पढ़ा टीलेज पढ़ा फादर ऑफ टीलेज किसको कहते हैं जैन टूल को कहते हैं अब देखो टूल कहां के थे टूल थे हमारे ब्रिटिश के कहां के थे ब्रिटिश के कहां के थे ब्रिटिश के अब ब्रिटिश में पहले क्या चलती थी पहले चलती थी वहां पे एंग्लो सेक्जोन एंग्लो सेक्सोन भाषा इंग्लिश के पहले कौन सी भाषा चलती थी वहां पे एंग्लो सेक्सोन भाषा उसके बाद इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि जो बीड शब्द है वह भी किसने दिया था जेंथ्रो टूल ने दिया था फादर ऑफ बीट किसको माना जाता है जेंथ्रो टूल को माना जाता है टिलेज शब्द किसने दिया था जेंथ्रो टूल ने दिया था फादर ऑफ टिलेज किसको माना जाता है जेंथ्रो टूल को माना जाता है तो इस तरह आप याद कर सकते हो कि जैंथ्रो टूल कहाँ के थे ब्रिटिश के थे ब्रिटिश के थे तो वो क्या थे कौन सी भाषा वहां पे चलती थी पहले भाषा चलती थी एंग्लो सेक्सोन ठीक है यह इंग्लिश के पहले की भाषा है बाद के इंग्लिश का हमारा क्या हुआ है डेवलपमेंट हुआ है ठीक है तो ये हो गए हमारे नए शब्द मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी अब देखते हैं अगले शब्द अगला है हमारा ट्रक गार्डनिंग ठीक है तो ट्रक गार्डनिंग हमारा कौन सी भाषा से लिया जाता है फ्रेंच भाषा से लिया जाता है ट्रक गार्डनिंग हमारी कौन सी भाषा से लिया जाता है फ्रेंच भाषा से लिया जाता है एक शब्द और आता है जिसमें गार्डनिंग लगा रहता है वो कौन सा है एक ट्रक गार्डनिंग हो गया और एक बहुत शब्द पूछा जाता है आपसे चलो उसको देखते हैं बाद के ठीक है नेमेटोड नेमेटोड हमारा किस भाषा से लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है देखो ट्रक गार्डनिंग हो गया एक और था याद नहीं आ रहा है ठीक है तो, तो देखते तो तो हैं है उसको बात को ग्रीक भाषा से लिया गया है पेडोलॉजी पेडोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है ठीक है किचन गार्डनिंग एक शब्द बहुत पूछा जाता है और अपन पढ़ते भी हैं किचन ठीक है इसमें मेंशन नहीं है तो आप लिख लेना कि किचन गार्डनिंग कौन सी भाषा से लिया जाता है तो किचन गार्डनिंग हमारी लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है कौन सी भाषा से लैटिन भाषा से ठीक है तो मैंने इसलिए बता दिया कि कोई ट्रक गार्डनिंग लगा है ट्रक गार्डनिंग के भरोसे आपने किचन गार्डनिंग देखा और उसमें लगा दिया क्या फ्रेंच भाषा लेकिन फ्रेंच भाषा से हुआ शब्द नहीं लिया गया तो किचन किचन गार्डनिंग शब्द कौन सी भाषा से लिया गया हमारी लैटिन भाषा से लिया गया पेडोलॉजी लास्ट में वाई लगा है ग्रीक भाषा से लिया गया मार्केट फैला हुआ है लैटिन भाषा से लिया गया है एवेल्यूशन लैटिन भाषा से लिया गया है इन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है क्रेडिट लैटिन भाषा से लिया गया है सोसाइटी लैटिन भाषा से लिया गया है ठीक है सेल लैटिन भाषा से लिया गया है इन बीबो एंड इन बेट्रो भी हमारी किस भाषा से लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है कुछ शब्द और हैं ठीक है तो सिट्री जो हमारे किसके थे लैटिन भाषा के अपवाद थे तो कौन सी भाषा से लिया गया है यह हमारी दो भाषाओं से मिलकर बनता है लैटिन प्लस ग्रीक प्लस लैटिन ठीक है ग्रीक प्लस लैटिन दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स ग्रीक भाषा से लिया गया है अभी ही बात किया था जेनेटिक्स आईसीएस लगा है ग्रीक भाषा से लिया गया है सोशियोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से लिया गया है और फोरेस्ट्री शब्द हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही ठीक है तो अभी कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी स्टूडेंट यदि किसी भी कंपटीशन की एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा हो तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा एक बारह दो हजार तेईस से मतलब एक तारीख से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो ये नंबर दिया हुआ है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो so, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही थैंक यू